वेलकम स्टूडेंट्स, लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल। इस पार्ट का हमें आज दूसरा भाग पढ़ना है और आइए आज हम इसके आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था डाबनीज की शॉप में एक लिटिल मैन ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि जब वो एक कमरे में रहता था तो वहाँ पर उसके बेड के सामने की दीवार पर एक डिसकलरेशन या एक पैच बन गया था जो एक चेहरे जैसा दिखाई देता था और रोज़ देख देख कर वो चेहरा जो है उनके दिलो दिमाग पर छा गया। एक बार वे बीमार पड़े और लगातार उस चेहरे को देखते रहे और ऐसा लगा कि वो चेहरा जो है वो पूरा का पूरा उनके ऊपर छा गया। इसके बाद हमें पढ़ना है, वेल आई गॉट बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट। नरेटर ने बताया क्या कि वे इन्फ्लुएंजा से ठीक हो गए, परंतु ये जो फेस था, जो चेहरा था, वो अभी भी उन्हें कंट्रोल कर रहा था। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट। उन्होंने अपने आप को स्ट्रीट्स, गलियों में इसी तरह का चेहरा ढूंढते हुए पाया। समवेयर आई वॉज कन्विंस्ड द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट। आई वॉज कन्विंस्ड, उन्हें पूरी तरह से इस बात का ध्यान था कि ऐसा रियल मैन, ऐसा वास्तविक व्यक्ति कहीं ना कहीं होना चाहिए। एंड हिम आई मस्ट मीट, और उसे मुझे जरूर मिलना है। Why I had no notion, क्यों मिलना है ये कोई उनको notion, idea नहीं था। I only knew that he and I were in some way linked by fate, और उनका कहना है कि I knew, मैं जानता था कि fate, भाग्य ने मुझे और उस व्यक्ति को किसी न किसी तरह से link कर रखा था, जोड़ रखा था। I frequented places where men congregate in large numbers. Frequented, बार बार जाना। तो नरेटर ने ऐसी जगह पर जाना शुरू किया, कॉन्ग्रीगेट इकट्ठे होना, जहाँ लोग लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे, जैसे पॉलिटिकल मीटिंग्स, फुटबॉल मैचेस, द रेलवे स्टेशंस, व्हेन द सब अर्बन ट्रेन्स पो फोर्थ their legions। तो उन्होंने कहाँ कहाँ जाना शुरू किया, उन्होंने जो है वो political meetings में, political meetings सभाओं में, और जो है football matches में जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और जो है रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे कि सब अर्बन ट्रेन्स, मतलब उपनगरीय जो ट्रेन्स जो हैं वो अपनी लीजन, अपनी भीड़, बहुत सारे लोगों को जहाँ उतार कर जाती हैं। ऑन द सिटी इन द मॉर्निंग एंड रिसीव देम अगेन इन द इवनिंग। तो मॉर्निंग में जो ट्रेन्स होती हैं वो लोगों को उतार कर जाती हैं, और इवनिंग में, शाम को जब उनके काम हो जाते हैं ऑफिस के, तो उन्हें वापस लेने के लिए आती हैं। तो उन्होंने ऐसी जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, मिलते हैं, वहाँ जाना शुरू किया। बट ऑल इन वैन, वैन व्यर्थ, बेकार, परंतु उनका ये सारा प्रयास बेकार रहा। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज्ड एज आई देन did how many different faces of men there are. I had never realized as then I did. अब नरेटर ने एक बात रियलाइज की, महसूस की, how many different faces of men there are, कितने तरह के लोगों के अलग अलग चेहरे होते हैं, and how few, और कितने कम होते हैं, यानि लोगों के चेहरे आपस में कितने मिलते हैं। For all differ, सभी चेहरे आपस में एक दूसरे से differ करते हैं, अलग होते हैं। And yet classified,
दे बिलोंग टू ओनली एज मेनी ग्रुप्स एज यू काउंट ऑन योर हैंड्स। परंतु अगर आप इन्हें क्लासीफाई करो, अगर आप इन्हें आप बांटो, तो ये जो चेहरे हैं ये कुल मिला के कितने हैं? इतने केवल जितने कि आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में आप इन्हें क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। The search became a mania with me, mania, पागलपन, जुनून। तो नरेटर को एक ऑब्सेशन, एक जुनून जैसा सवार हो गया, उन्हें और कुछ नहीं सूझता था। वे क्या करते थे पूरे समय? I neglected everything else, उन्होंने हर दूसरी चीज को ध्यान देना छोड़ दिया। I stood at busy corners, watching the crowd, अब वे बिजी कॉर्नर्स पर, जहाँ की ज़्यादा भीड़ होती थी वहाँ पर कोने पर खड़े हो जाते थे। Until people thought me crazy, और अंत में लोगों ने उन्हें क्रेजी मानना, पागल मानना शुरू कर दिया। And police begin to know me and be suspicious, और वो इतना ऐसी ऐसी जगह पर खड़े रहते कि पुलिस ने भी उन पर शक करना शुरू कर दिया। वुमन आई नेवर ग्लेंस्ड एट, अब उन्हें एक मनुष्य का, एक पुरुष का चेहरा देखना था, तो वो स्त्रियों की ओर देखते भी नहीं थे। मैन मैन एंड मैन ऑल द टाइम, तो वे किसे देखते थे? पुरुषों के चेहरे को हमेशा देखते रहते थे। ही पास्ड हिज हैड वेरीली ओवर हिज ब्रो, वेरीली थकावट से। अब नरेटर ने अपने ब्रो पर एक बार थकान से हाथ फेरा। एंड देन ही कंटिन्यूड, और उसके बाद उन्होंने आगे सुनाना शुरू किया। एट लास्ट आई सॉ हिम, अंततः मैंने उसे देखा। ही वॉज इन अ टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट अलोंग पिकेडिली, ये जो व्यक्ति जो था एक टैक्सी में बैठा था और ये टैक्सी पिकेडिली की ओर जा रही थी। अब आप कहेंगे ये पिकेडिली कौन सी जगह है? तो ये लंदन में एक सब अर्बन स्टेशन का नाम है। I turned and ran beside it for a little way. लेखक जो है, नरेटर जो है, वो मुड़े और कुछ देर वो टैक्सी के साथ में दौड़े। And then saw an empty one coming. और तब उन्होंने देखा कि एक खाली टैक्सी आ रही है। Follow that taxi, I gasped, हाँफना। तो हाँफते हुए नरेटर ने उस टैक्सी वाले से कहा, इस टैक्सी को का पीछा करो। एंड लीव्ड इन, और छलांग भर के वे इस टैक्सी में रवाना हो गए। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइट, जो टैक्सी का ड्राइवर था जिसमें ये बैठे थे, उस ड्राइवर ने इस टैक्सी को अपनी साइट में, नजरों के सामने रखा। एंड इट टुक अस टू चैरिंग क्रॉस, और ये जो टैक्सी है कहाँ तक पहुँची? चैरिंग क्रॉस, ये एक और रेलवे स्टेशन है, सब अर्बन स्टेशन है लंदन में। आई रश ऑन टू द प्लेटफॉर्म, नरेटर जो है इस व्यक्ति के पीछे पीछे प्लेटफॉर्म तक गए। एंड फाउंड माई मैन विथ टू लेडीज एंड अ लिटिल गर्ल, और उन्होंने पाया, क्या पाया? कि वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति दो महिलाओं के साथ में और एक छोटी बच्ची के साथ में खड़ा है। दे वेर गोइंग टू फ्रांस बाय द 2:20, और ये सभी लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, फ्रांस जाने वाली ट्रेन का, जो कि 2:20 पर जाती है। आई हंग अबाउट टू ट्राई एंड गेट अ वर्ड विथ हिम, आई हंग अबाउट, वहीं पर मंडराना। तो नरेटर जो है वहीं पर मंडराते रहे और कोशिश करते रहे कि इस व्यक्ति से किसी तरह से बातचीत हो जाए। बट इन वे, परंतु उनका ये प्रयास असफल रहा। अदर फ्रेंड्स हैड ज्वाइन द पार्टी, इस पार्टी में कुछ और फ्रेंड्स भी ज्वाइन हो गए थे। एंड दे मूव टू द ट्रेन इन अ सॉलिड बॉडी, और ये ट्रेन की ओर सभी लोग
एक सॉलिड बॉडी में गए। यहाँ पर सॉलिड बॉडी से मतलब है एक साथ गए, यानी एक आगे एक पीछे नहीं, बल्कि सभी के सभी जो हैं वो ट्रेन में जब रवाना हुए तो एक साथ थे। आई हेस्टिली परचेज्ड अ टिकट टू फोकस्टोन। अब नरेटर ने फोकस्टोन तक का हेस्टिली तेजी से एक टिकट खरीदा, होपिंग दैट आई शुड कैच हिम ऑन द बोट वाइल इट सेल्ड। और वे होप कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि वो इस व्यक्ति को जब बोट सेल होगी, जहाज जब चलेगा, उसके पहले उससे बात कर लेंगे। बट एट फोकस्टोन ही गॉट ऑन बोट बिफोर मी विथ हिज फ्रेंड्स। पर जब ट्रेन फोकस्टोन पहुंची तो वो व्यक्ति ट्रेन से उतर कर और बोट पर अपने मित्रों के साथ में चढ़ चुका था। एंड दे डिसअपीयर्ड इनटू अ लार्ज प्राइवेट सलून। और इस बोट पर, इस शिप पर एक प्राइवेट सलून, एक बड़ा सा जो था कैबिन या सलून जो बना हुआ था प्राइवेट, उसमें ये सब लोग अंदर चले गए। सेवरल केबिन्स थ्रोन इनटू वन। इस बड़े केबिन में एक बहुत सारे छोटे छोटे केबिन्स थे। एविडेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से वो जो व्यक्ति जो था वो अ मैन ऑफ वेल्थ, अमीर व्यक्ति था। अगेन आई वॉज फॉइल्ड। अब नरेटर का कहना है कि वो फॉइल्ड हो चुके थे, यानी उनके मार्ग में फॉइल, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा आ चुकी थी। बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू, फीलिंग सर्टेन दैट व्हेन द वॉयस हैड बिगिन ही वुड लीव द लेडीज एंड कम आउट फॉर अ स्ट्रॉल ऑन द डेक। बट आई डिटरमाइंड, मैंने निश्चय किया टू क्रॉस टू कि वे भी इस बोट में सवार होंगे। फीलिंग सर्टेन, उन्हें निश्चित था कि जब ये वॉयज, ये यात्रा शुरू होगी तो वो लेडीज को छोड़कर स्ट्रॉल के लिए, स्ट्रॉल यानी घूमने के लिए डेक पर जरूर आएगा। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फेयर टू बोलोन। उनके पास जेब में केवल बोलोन जाने तक के पैसे थे। बोलोन जर्मनी का एक शहर जो फ्रांस के पहले आएगा। बट नथिंग कुड शेक मी नाउ। परंतु नरेटर को अब कोई भी नहीं रोक सकता था, यानी उन्होंने निश्चय किया कि वो कहाँ जाएंगे, इस व्यक्ति के पीछे जहाँ तक वो जा रहा है वहाँ तक जाएंगे। आई टुक अप माई पोजिशन अपोजिट द सलून डोर एंड वेटेड। अब नरेटर ने क्या किया, जो सलून का जो डोर था, दरवाज़ा जो था उस केबिन का बड़े सारे, उसके बाहर अपनी जगह ले ली, पोजिशन ले ली और वहीं पर खड़े होकर इंतजार करना शुरू किया। आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपन एंड ही केम आउट। करीब आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और ये व्यक्ति बाहर आया। बट विद द लिटिल गर्ल, परंतु ये अपने साथ में वो छोटी सी लड़की को लाया। माई हार्ट बीट सो फास्ट दैट इट सीम्ड टू शेक द बोट मोर देन द प्रोपेलर। अब उसको देखकर, नरेटर का कहना है कि उनका हार्ट बीट करने लगा, इतनी तेजी से, इतना फास्ट बीट करने लगा कि उन्हें लगा कि जो बोट का जो प्रोपेलर है, प्रोपेलर पीछे एक बड़ा सारा पंखा लगा होता है जो ये एरोप्लेन में भी होता है और बोट में भी होता है, तो उससे भी तेज गति से उनका हृदय जो है वो बीट करने लगा। देर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस। अब उन्होंने फिर से उस व्यक्ति के चेहरे पर ध्यान दिया तो चेहरे को पहचानने में कोई गलती नहीं थी। एवरी लाइन वॉज द सेम। हर रेखा जो थी चेहरे की वो सेम थी। ही ग्लैंस्ड एट मी एंड मूव टूवर्ड्स द कंपेनियन वे। उसने नरेटर के चेहरे की ओर देखा और उसके बाद में वो कंपेनियन वे की ओर चलने लगा। कंपेनियन वे जो केबिन्स और डेक के बीच में जो रास्ता होता है, जो स्टेयर केस होती है, सीढ़ी होती है, उसे कंपेनियन वे कहा जाता है, यानी वो अपर डेक को
जाना चाहता था। इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट। अब नरेटर ने महसूस किया कि उन्हें या तो अभी बोलना है या कभी नहीं बोलना है। एक्सक्यूज मी आई स्टैमर्ड, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड? आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विथ यू। स्टैमर लड़खड़ाते हुए टूटती हुई आवाज में कहा, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड? उन्होंने उस व्यक्ति से उसका कार्ड मांगा। उन्होंने कहा, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, मुझे बहुत महत्वपूर्ण कारण से आपसे कम्युनिकेट करना है, आपसे बातचीत करना है। ही सीम टू बी एस्टोनिश्ड, एज इंडीड वेल ही माइट, बट ही कंप्लाइड। ही सीम टू बी एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड चकित रह जाना। जैसे उसने नरेटर की बात सुनी तो वो चकित रह गया। जैसे कि आप सोच सकते हैं, सामान्य उसमें वो ये बात सही है। बट ही कंप्लाइड, परंतु उसने नरेटर की बात मान ली। कंप्लाइड मान लेना, उसका विरोध नहीं किया। विथ एक्सट्रीम डेलिबरेशन, डेलिबरेशन जानबूझकर, मतलब सोच समझ कर, वो तो ऐसा लगा कि बहुत सोच समझ कर। ही टुक आउट हिज केस एंड हैंडेड मी हिज कार्ड। उन्होंने अपना जेब में हाथ डाला, केस निकाला कार्ड का, और अपना कार्ड जो है वो उन्हें दिया। एंड हरीड ऑन विद द लिटिल गर्ल, और जो ये छोटी सी लड़की थी उसके साथ वो आगे बढ़ गया। इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी अ लूनेटिक। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था कि वो नरेटर को एक लूनेटिक, एक पागल समझ रहा था। एंड कंसिडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी देन नॉट, और वो उसने ये कंसिडर किया कि ये ज़्यादा वाइज होगा, ये ज़्यादा सही होगा कि वो नरेटर को ह्यूमर करें या उनको फुसला दें, बजाय कि उनको कार्ड देने में मना करें। यानी उस व्यक्ति ने ये सोचकर उन्हें कार्ड दिया कि ठीक है, बिना बात के उससे उलझा न जाए। क्लचिंग द कार्ड आई हरी टू अ डिजर्टेड कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रेड इट। क्लचिंग, ग्रस्पिंग, पकड़ना, मतलब मजबूती से पकड़ना। तो कार्ड को मजबूती से पकड़कर नरेटर जो है वो शिप के एक डेजर्टेड सुनसान कॉर्नर में जाकर उन्होंने इस कार्ड को पढ़ा। माई आईज डिम्ड, जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा तो उनकी आंखें डिम हो गईं, धुंधली हो गई। माई हैड स्वैम, उनका सिर घूमने लगा। फॉर ऑन इट वर द वर्ड्स, क्योंकि इस कार्ड पे जो वर्ड्स लिखे थे वो क्या थे? मिस्टर आमन वॉल विथ एन एड्रेस एट पिट्सबर्ग USA। नाम जो उस व्यक्ति का था वो लिखा था मिस्टर आमन वॉल, और एक एड्रेस दिया था, और ये एड्रेस जो था USA का पिट्सबर्ग शहर का था। आई रिमेम्बर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ एट बोलोन। अब इसके बाद नरेटर का कहना है कि वो बेहोश हो गए, और जब वो बोलोन पहुंच गए उसके बाद उन्हें होश आया। देन आई ले इन अ ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक्स, और बोलोन में वो ब्रोकन कंडीशन में, बहुत टूटी हुई स्थिति में कुछ हफ्तों तक रहे। एंड ओनली अ मंथ एगो डिड आई रिटर्न, और करीब एक महीना पहले मैं वापस वहां से आया। ही वॉज साइलेंट, उसके बाद वो चुप हो गया। अब आप भी उत्सुक होंगे इस कहानी में इसके बाद क्या होता है। तो आज की कहानी में इतना ही, कल जो है इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए छात्राएं जो है, फर्स्ट पार्ट अगर आपने पढ़ लिया है तो सेकंड पार्ट को ध्यान से पढ़ें, समझ में ना आए तो फिर से एक बार सुने पढ़ें, और अगर कोई समझने में परेशानी हो तो छात्राएं मुझसे संपर्क करें।